और दिन में 2 से 3 दफा तो झाड़ू लगता है, उसके बाद भी इतना ज्यादा कचरा निकलता है बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे, हर जगह से। बच्चों वाला घर है ना, बच्चों वाले घर में इतना कचरा होता ही है सब। और बाद में झाड़ू लगाते लगाते बच्चों की चीजें भी चुनते रहो। अच्छा, मेरी बहुत आदत है बच्चों का, एक एक टॉय मैं इसमें से निकालती हूँ, बाद में रोती है मम्मा आपने मेरा वो फेंक दिया वो फेंक दिया। सबसे पहले मैं इनके टॉय सेट पे करूंगी, एक एक पजल भी होगा ना वही भी मैं इनका संभाल के रखती हूँ। पकड़ी गई सारा मम्मा का हैंड, अच्छा ब्रश कर रही है। फेस वॉश इसे जितना मिले ना ये सारा निकाल के फेंक दीजिए। इसके जाने से पहले आज मैंने फेस वॉश उठा लिया था ताकि पूरे घर की सफाई होगी। बच्चों को मैंने उठा दिए, मुस्तफा अभी नहाने के लिए वेट कर रहा है कि आयत जल्दी बाहर आए। और क्लीनिंग सब कुछ हो गया है, रूम मेरा अच्छे से साफ हो गया है, बाहर भी अच्छे से झाड़ू लग गया है। झाड़ू मैंने सारा लगा लिया, पोछा मैंने अभी तक नहीं लगाया, और क्योंकि अब मुझे सालन भी बनाना है। आज जो है ना सुबह से मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं दाल चावल बनाती हूँ, काफी टाइम से घर पे दाल चावल नहीं बने। ये मैंने धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, हरे मसाले सारे मंगा लिए हैं, और बाकी ये दोनों लाल वाली और पीली वाली दाल, ये भी दोनों मैंने मिक्स करके बनानी है तो ये ज्यादा अच्छी बनेगी। और आज दाल मैं पकाने वाली हूँ अपनी अम्मी के तरीके की, जो कि बहुत ही इजी तरीका है मेरी अम्मी का, और मुझे लगता है हर घर में ऐसी ही बनती है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले दाल को अच्छे से मैं वॉश करके इसको भिगो के रख देती हूँ, और दाल को देख के ना हमेशा अम्मी की, वैसे तो अम्मी की बहुत याद आती है लेकिन दाल को देख के कुछ ज्यादा ही आती, क्योंकि दाल अच्छे से वॉश करके मैंने इसको भिगो के रख देना है। और अब इसमें पानी भर के इसको चढ़ा देते हैं जब तक। हमारा पानी थोड़ा बॉयल होता है, गर्म होता है, तब तक मैं बाकी के सारे मसाले काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मसाले भी सारे मैंने काट लिए, हरी मिर्ची थोड़ी सी मैंने ज्यादा काटी है क्योंकि इसमें दाल में ना हरी मिर्ची ज्यादा अच्छी लगती है। सबसे पहले 1 चम्मच नमक का, बाद 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने हरी मिर्ची ज्यादा डाली हुई है ना तो 2 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च के ऐड किए हैं, और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करें। जो मैंने इसमें मसाले काट के रखे थे सारे मैं एक ही साथ ऐड करूंगी, प्याज भी साथ में ऐड कर लेंगे। और अब रह गया था मेरा लहसुन का पेस्ट, इसमें अदरक नहीं, सिर्फ मैंने लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच या 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम था। अभी भी हमारा किचन ज्यादा नहीं फैला, थोड़े बहुत जो बर्तन है इनको साथ साथ जल्दी से मैं वॉश कर लेती हूँ। जैसे कि एक और एक दो ये कटोरी, ये हैं चाय वाले कप पड़े हैं, और ये भी इस्तेमाल होगा, एक ये प्लेट रह गई, बस बर्तन सिर्फ यही थे। अब यहाँ से इनको क्लीन कर लेती हूँ। किचन हमारा अच्छे से साफ हो गया है, बस ये मसाले मैंने रखे हैं। जब मैं तड़का लगाऊंगी तो मुझे प्याज काम आएगा, हरा धनिया डालना है, और कड़ी पत्ता भी तड़के के टाइम काम आएगा, और ये बॉयल जब मैं चावल करूंगी हरी मिर्ची तब इसमें थोड़ी सी ऐड करना है। उसके अलावा इसको 5 मिनट के लिए मैंने बॉयल करना है जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए, उसके बाद फिर हम दाल ऐड करेंगे। और अब जल्दी से बर्तन वॉश कर लेते हैं, और बर्तन भी हमारे धुल गए हैं तो उसको भी 5 मिनट हो गए। अब दाल इसमें ऐड कर लेती हूँ, ज्यादा गर्म नहीं है। क्या हुआ मुस्तफा, निकाल देती हूँ कपड़े, उसको तो अभी अच्छा खासा वैसे भी टाइम लगेगा, इसको हम ढक देते हैं। और बाकी जाती हूँ मैं, बच्चों को देखती हूँ। आ गए आप नहा के? अच्छा, निकाल देती हूँ कपड़े। आयत आयत ये रही, आ जाओ आपका खाना आ गया, आ जाओ, आ जाओ मेरा बेबी, आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीचे आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, सितारा सितारा, तो ये नीचे हमारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं जो कि बेल पे बेल दिए जा रहे हैं। पहले एक आए हैं मैंने नहीं खोला, फिर अभी दूसरे आए हैं फिर मैंने नहीं खोला, लेकिन ये वाले अभी जा ही नहीं रहे तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, बेल पे बेल दिए जा रहे हैं तो अभी मुझे मिलना ही पड़ेगा उनसे। और घर का काम मैंने आपको दिखाया कि मैं एक पे एक कर रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना फेस वॉश किया सारा, मैं पसीने में भीगी हुई थी किचन में, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपने बाल भी ठीक कर लूँ, जाऊँ उनसे मिल के आऊँ, क्योंकि उनको जाना नहीं है मुझसे मिले बगैर। तो यही होता है कि कभी बंदा काम में होता है, कभी कुछ ना कुछ कर रहा होता है तो फ़ौरन नीचे नहीं आ सकता, मिल नहीं सकता, कभी किस हालत में होते हैं कभी किस में, और काम सारा मेरे ऊपर होता है, मेरी सारी जिम्मेदारी होती है करने की, तो फिर भी नहीं समझते, तो ये मोहब्बत है या फिर क्या है पता नहीं। चलो अब नीचे जाते हैं, उनसे मैं मिल के आती हूँ। और हमारी दाल भी यहाँ पर तैयार हो गई है, बस अब चावल बॉयल करने हैं, नीचे जाऊँ मिल के आऊँ। यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर आए थे, अभी अभी मैंने फ़ैन बंद किया, मैं जाती हूँ ऊपर, आज मेरा सारा काम वहीं का वहीं रह गया, 1-1.5 घंटा तकरीबन मैं बैठी रही हूँ यहाँ पे। दाल ऐसे ही खा रहे हो, तड़का नहीं लगाया अभी मैंने? मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ सच में, वैसे मैं जब भी दाल बनाऊँ ना, मेरे हस्बैंड की हमेशा की तरह ये आदत है कि मैं कोई भी डिश बना लूँ लेकिन इनको मेरे हाथ की दाल बहुत पसंद है, और इसी वजह से ये ऐसे ही कप में भर के ऐसे ही खाते रहते हैं। हाँ
बहुत अच्छी लगती है। चलें शुक्रिया बहुत बहुत, इतने ज़्यादा अच्छे मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बहुत अरसे बाद मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरे सब्सक्राइबरों को भी बहुत अच्छा लगेगा, पता है जब आप मेरी कोई तारीफ़ करते हो ना, कुछ करते हो, सब खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पे बैठे बैठे डेढ़ घंटा हो गया, मेरे दाल चावल वहीं के वहीं रह गए। दाल मेरी तैयार हो गई थी, बस चावल बॉयल करने, उस पर टाइम तो नहीं लगना, लेकिन 5 बजे का जो है ना, जहाँ पर हमने मकान देखना था ना, उनको टाइम दिया था, और 1-1.5 घंटा मैं लेट हो गई हूँ। सिर्फ यही वजह होती है, अगर मुझे ब्लॉगिंग का काम ना होना तो मेरे सब्सक्राइबर सच में इतना अच्छे हैं, जो मुझे बातें करते हैं कि हमें इतनी मोहब्बत है आपसे, तो मेरा दिल करता है मैं बातें करती रहूँ करती रहूँ। अभी भी बातें करते करते 1-1.5 घंटा हो गया नीचे मुझे उनके साथ बैठे हुए। 2 फैमिलियाँ थी और घर का काम सारा वहीं पर रह गया। हाँ तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मिलना भी होता है, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ मीटअप रखूँ, क्योंकि जो भी मुझे पसंद करते हैं सबसे एक ही दफ़ा मिल लेती हूँ, सबका दिल होता है मिलने के लिए। प्रॉब्लम कोई नहीं है, बिज़ी हूँ, लाइफ बहुत बिजी है सच। आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, घर के काम करने होते हैं, तो ये सब कुछ बहुत लंबा टाइम लेता है सब कुछ। खैर अभी जाते हैं घर देख। आयत बैठी है अपने कार्टून में बिजी है, तो जब तक घर देख कर आ जाते हैं, इसको लेके चलें। हाँ तंग करेगी बहुत, गर्मी भी बहुत तंग करती है, गर्मी भी बहुत है ना, तो जल्दी से देख के आते हैं, नैना को बुला लेती हूँ, नैना घर आ जाएगी। ये अपने तीसरा कप लिया, अभी तक तड़का नहीं लगा मेरी दाल को, और सब ऐसे ही कप में ले रहे हैं, अभी तड़का नहीं लगा, तड़का लगेगा ना तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। देखिए सब कुछ मिक्स हो गया है, हल्की आँच पे रखा था ना, तो ऊपर इसको मैंने कवर कर लिया था, तो जल्दी पक गई है, इतना वजनी हो गया है। अच्छा मैंगो जो है ना, मैंने वॉश करके रख दिए कि इनको फ्रिज में रखें, फ्रिज खोलें, बल्कि ये फ्रिज में रख दें, वापस आएंगे ना ठंडे हो जाएंगे। और जाते हुए यहाँ पर एक कुछ गिफ्ट आए हुए थे जो कि मैं आपको दिखा दूँ। ये मुझे गिफ्ट कहाँ से आए हैं, जो मुझे बेडशीट देखी जाती है उनकी तरफ से आया है। तो ये तो आयत ने इसकी ओपनिंग कर दी है, और इसमें मग हैं, और मग पे बहुत ही प्यारी पिक्चर बनवा के लाई है, माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है ना, ये वाली सारी मेरी प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका दिल से थैंक यू सो मच। और इसके अलावा ये वाला जो गिफ्ट है ये नैना का है, तो नैना इसकी अनबॉक्सिंग खुद ही करेगी। ये वाली पिक्चर बहुत अच्छी है, ये वाली भी बहुत अच्छी है, वैसे सारी बहुत अच्छी है, अम्मी के साथ की बहुत प्यारी है। तो यहाँ की भी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। चलो शाम के टाइम पे बाहर निकलते ही मूड अच्छा हो जाता है। जैसे सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आते हैं, उनकी खुशी उनकी फीलिंग्स को मैं समझ सकती हूँ। जैसे आप सब मुझे देख के पसंद करते हो, इसी तरीके से मैं भी किसी ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको देख के मैं बहुत पसंद करती हूँ। आप सबको देख के ना मुझे भी वो अपनी वाली फीलिंग्स याद आती है। शुरू में मैं बहुत कहा करती थी, बल्कि मेरा अभी भी दिल है कि मैं उनसे मिलूं, जिनसे मैं इंस्पायर हुई, जिनसे मैंने देख के बहुत कुछ सीखा। मेरे फेवरेट ब्लॉगर हैं, उनका मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह टाइम आने पे मैं उनका नाम बताऊंगी कि मेरे फेवरेट ब्लॉगर कौन से हैं। मैं इतना शौक से देखती हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि उनसे मैं अपनी लाइफ में एक दफ़ा मिलूँ, जैसे कि आप सबकी ख्वाहिश होती है मुझसे मिलने की, इसी तरीके से मेरी भी ख्वाहिश है। आयत हमारे साथ नहीं आई, वरना इनको देख के चुप नहीं करती। और यहाँ पे लाइन में है भी काफी ज्यादा ना, अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल सड़क को भी सजाया हुआ है। और घर देखने से पहले हम जा रहे हैं अपना मैकबुक लेने के लिए, और इनका कॉल भी है कि आपका मैकबुक रेडी है, आप ले जाओ। बादल कैसे बन रहे हैं ना अभी, लेकिन हवा इतना तेज नहीं चल रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैकबुक तैयार है हमारा, शुक्र है। अभी कोई पासवर्ड है इस पे? नहीं जी, अभी कोई नहीं है, अभी मैंने रखना ही नहीं है, या फिर लिख लूंगी अब ताकि याद रहे हमेशा। अच्छा ये जब से लिया ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ, अभी तक यूज ही नहीं हुआ, तो अभी मैं इसको इधर ही छोड़ के जा रही हूँ। और इसका भी अभी सब कुछ रीस्टार्ट हो गया, सब कुछ डिलीट हो गया इसमें, ये अभी सेल हो जाएगा। फिलहाल इसमें अभी कुछ चीज़ें और भी इंस्टॉल करनी है, तो अभी हम जा रहे हैं मकान देखने के लिए, वापस आकर फिर इसको यहाँ से उठाएंगे। चले बाहर, अभी मौसम अच्छा आता जा रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी हवा भी चल पड़ी है, बादल बने हुए हैं, अभी बारिशों का मौसम है तो सही, यहाँ कराची में नहीं हुई, एक ही दफ़ा हुई है। अब इस रश में फंस रहे हैं ना, 10 मिनट हो गए यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, शुक्र है थोड़ा सा रोड खाली हुआ। और कितना जाना है आगे, रात हो गई है हमें घर देखते देखते, बल्कि अभी तक पहुँचे ही नहीं है, इतना दूर है। और यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी वेट कर रहे हैं एजेंसी वाले का, सुहाने का ट्री मिल गया। ये तो गर्मियों में भी सुहाना लगा हुआ है, वैसे सर्दियों में होता है सुहाना, और फुल भरा हुआ है, छोटे छोटे फ्लावर है ना, गर्मियों में भी इतना ज्यादा सुहाना लगा हुआ है, हालांकि सर्दियों में ये होता है। बहुत ज्यादा सच में मैं थक गई हूँ, इतना ज्यादा घर को ढूंढना पड़ता है ना, और अच्छे घर के लिए हर लड़की की हर औरत की ख्वाहिश होती है कि हमारा घर सबसे अच्छा हो, सबसे सेफ हो, साफ सुथरा हो, तो उसके लिए हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी कि हाँ ये इससे और बेटर मिल सकता है, इससे और अच्छा मिल सकता है, तो बस उसी में जो है ना आज मेरा दिन ऐसे ही निकल गया।
और ज़्यादा शूट नहीं किया इस वजह से, क्योंकि जहाँ पे भी घर देखने जाओ वहाँ पर अलाउ नहीं करते, वो कहते हैं अगर कि आपको लेना है, अगर कि आपको रहना है तो आप वीडियो शूट कर सकते हो जब तक बात डन नहीं होती। तो वहाँ पर जो ऊपर का उसका टेरेस था उसकी दीवार थी नहीं, बिल्कुल भी दीवार नहीं थी, और टेरेस ऐसा था कि जैसे एक एक ईंट की बाउंड्री मिली होती है ना, इस तरह का था। और अगर मैं लॉक भी लगा दूं फिर भी मेरे दिमाग में हमेशा से ये डर रहेगा कि बच्चे कहीं चाबी ना मिल जाए, कहीं खोल ना दें, देखो मुस्तफ़ा तो ऊपर ना चले जाएं, या कभी मेरा भी दिल करता है मैं ऊपर चाय पीने के लिए जाती हूँ पीछे बच्चे आ जाएं तो मैं बहुत डरी रहूँगी। तो इसी वजह से वो घर हमने किया कैंसिल, बाकी अच्छा था। इसके अलावा एक दो और भी हैं, वो कल दिखाएंगे फिर इंशाल्लाह, मिल जाएगा उम्मीद तो है। और इसी वजह से वहाँ कुछ शूट नहीं किया, वापस आ गया, अंधेरा भी बहुत था। और अब वापस से अपनी कुकिंग करते हैं, कुकिंग की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हमजा, सलाम का जवाब दे दो। अभी कहते हैं मैं बैठूं तो सही। सुना ठीक है, आज तो पूरा दिन मैं ही गायब थी, आज मैं क्या बोलूं बाबर को कि बाबर गायब था। आज जैसे हम उठे हैं घर के काम और इसमें फौरन बाहर निकल गई। अच्छा खुद भी बाहर थे, आज तुम लोग गाड़ी के चक्कर में और मैं मकान के चक्कर में थी। गाड़ी मिलती नहीं जहाँ पे जाओ मिलती यहाँ पर भी तो वहाँ पे गाड़ी जाओ गाड़ी मिलती नहीं है, शाम का दिन भी निकल जाता है, दिन निकल जाता है ना, फिर शूट भी नहीं होता, थकावट अलग से हो जाती है। आज मेरे साथ भी यही हुआ, घर भी नहीं मिला, थकावट भी अलग से हो गई। तो कल देखा था ना, वो देखा तो उन्होंने कहा था हम दिखाएंगे, अच्छा है एक पिक्चर उन्होंने खाली दिखाई थी। अच्छा। आज जब गए वो कहते हैं वो वाला अभी उसमें काम हो रहा है, एक और दिखाते हैं, और वो अभी वाले ऐसे ही होते हैं। अभी कल कह रहे हैं कल दो और दिखाएंगे, अब देखो। अच्छा चलो देखने में। हाँ। देखते तड़के के लिए मैंने घी निकाल लिया है और उसकी तैयारी भी कर ली है, जिन मसालों से हमने तड़का लगाना है। एक चम्मच सिर्फ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्ची लेनी है, बीच में से मैंने कट कर लिया, और एक बड़ी साइज की प्याज थी उसको मैंने बारीक बारीक ऐसे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। इसके अलावा गोल वाली जो लाल मिर्च होती है साबित, हमने वो इसमें डालना है। एक छोटे अलग अलग पैकेट मिलते हैं ना, तो मैंने एक पूरा पैकेट इसमें से निकाल लिया है। और थोड़ा सा जीरा हो गया, ये ऑप्शनल है अगर किसी को पसंद नहीं है कड़ी पत्ता, क्योंकि अम्मी भी कड़ी पत्ता नहीं डालती थी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो जब भी ये दाल के कुछ भी मसाले लेने जाते हैं तो कड़ी पत्ता हमेशा लेकर आते हैं, तो वैसे अच्छा बनता है, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो इसको स्किप भी कर सकते। दाल हमारी तैयार हो गई, तो उसके बाद मैंने उसको वॉश कर लिया, क्योंकि उसमें मुझे चावल बॉयल करने हैं, खुला बर्तन है तो इसीलिए इसको मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। इसमें सबसे पहले हमारे प्याज जाएंगे, प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब एक चम्मच जो है लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करें, इसको भी एक मिनट के लिए इसको थोड़ा पकाना है ताकि ये पक जाए। यस मामा, आज क्या करने आई है? इसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। जी मामा, एक आयत ने तंग किया हुआ है और माशाल्लाह से खुशबू ना इसकी अभी से आना शुरू हो गई है दाल के तड़के की। मसाला हमारा फ्राई हो गया, इसको ऐड करना है, जल्दी से इसको ढक भी देना है ताकि इसकी खुशबू अंदर ही रहे। और दाल हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है, अब तैयारी करते हैं अपने चावल बॉयल करने की। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसके अलावा हमें जीरा चाहिए 1 चम्मच, और थोड़ी सी काली मिर्ची चाहिए, और दालचीनी के 2 टुकड़े चाहिए। इसको हमने पहले हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें फिर हम पानी ऐड करेंगे, जैसे कि 2 बॉल मैंने चावल के लिए, तो 4 बॉल इसमें पानी के ऐड कर लेंगे, पानी ऐड कर लेंगे। हमारा बॉयल हो गया, इसके अलावा मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था जो कि मैं दिखाना भूल गई। अब इसमें चावल अपने ऐड कर लेते हैं, चावलों को तकरीबन 5 मिनट रहते हैं, और मैंने दाल निकाल ली है बॉल में, अंदर रख के आती हूँ जब तक थोड़ा ठंडा भी हो जाना, बहुत गर्म है। आए आए बहुत गर्म है, हट जाओ आप यहाँ से, आज नीचे आकर बैठो, सब बच्चे नीचे आ जाए। चावल भी यहाँ पर पक गए, देखें कितना अच्छे से पके है ना, अलग अलग हो गए सब। आ जाओ आ जाओ बाबर, आप तो आ जाओ, आप बैठो, ये ऐसे तंग करे। हमजा को दाल चावल पसंद है? हाँ हाँ, शुक्र है आज इसने मुझे जवाब दिया है, अब अच्छा बच्चा हो गया मुझे जवाब देता है। चावल सही नहीं लग रहे आपको? हाँ नहीं। तो दाल कितनी तारीफें कर रहे थे और अभी कह रहे दाल तो अच्छी बनी है, चावलों में थोड़ी। अच्छा मुझे तो सही लगे हैं चावल, पता नहीं खाएंगे तो पता चलेगा। क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्यों रो रही है? हाँ छोटी सी फैमिली बैठी है, बस एक तैयबा नहीं है, तैयबा अपनी ड्राइंग में बिजी है, उसको मैंने इतना बुलाया कोई आ ही नहीं रहा। और मेरे हस्बैंड को जो है ना दाल अच्छी लगी है, चावल कह रहे हैं सही से बॉयल नहीं हुए। तैयबा भी आ गई, जल्दी से हैंड वॉश करके आ जाओ, हैंड वॉश करके आओ, शाबाश। अच्छा अभी तक जो है ना तबीयत सही नहीं हो रही, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप सबके साथ एक अच्छी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज जो मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट मिला है ना, तो मैं उसमें अपनी चाय डाल के भी पीने लगी हूँ। अभी कल हल्का सा था, अभी फ्लू थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और इसके अलावा बाकी सब ठीक है, खाना सबने खा लिया, मैं अपनी चाय को थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ, बाकी सब सो रहे हैं। दिखाओ जरा, ये सोई हुई है, मैं वो सोई हुई है, और बाकी आरती और पापा वो सब उधर हैं,
सब सो रहे हैं। सबसे अच्छा माउस होती है, सबसे प्यारा माउस होती है। माउर आए दोनों एक जैसे ही सोते हैं। अभी बस यहाँ पर बिस्तर लगाने और फिर सोएंगे। ये माओ का कंफर्टेबल क्या है, घर है। और हम इस गाड़ी में यही वाला रखेंगे मुस्तफा, पीछे सीट पे ना। लेकिन ये ना इसके अंदर से डर, ये पता नहीं क्यों नहीं डरेगी, इस पे बैठेगी। वो उस घर में नहीं बैठती, अंदर नहीं जाती, इस पे तो बैठेगी। और जब हम वहाँ पर कश्मीर जाएंगे और अपना गांव जाएंगे, तो गाड़ी में हम ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो गाड़ी में हम जाएंगे ना, तो पीछे सीट पे जो है इसका बिस्तर रख देंगे। ये एक सीट इसकी होगी ना, हमारी माओ की होगी। माओ जितना टाइम से हमारे साथ है ना, इसका प्यार हमारे साथ और बढ़ता जा रहा है। ये कहीं पे भी नहीं जाती, बाबर दिलबर के घर भी छोड़ने जाओ ना, तब भी ये उसका दिल ना वहाँ नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, लड़ पड़ती है ये, मस्तियाँ करती है। हाँ अच्छा, ये काटती कभी भी किसी को नहीं है, ये ऐसे पंजे हल्के हल्के से मारती है, खेलने के लिए नहीं चिड़ा ना उसको। हाँ सर पैसे करो, उसको सुकून मिलता है। मसाज कर रही हूँ। हाँ हमारे साथ इस दफा बहुत लंबा सफर कर रही है। वैसे एक दफा इसने किया था, ट्रेन पे गए थे, गांव गए थे, गुम भी हो गई थी। हाँ ट्रेन में ये गुम हो गई थी, तब बहुत परेशान हुए थे बच्चों का तो रोने वाला फेस हो गया। गार्ड ने इसको अपने पास रख लिया था, पापा गए थे, गार्ड ने क्वेश्चन आंसर पूछा था। हाँ किस कलर में, किस कलर में, कौन से डब्बे में थी, हाँ सब कुछ इसके सारे उन्होंने हमसे सवाल किए, कैसे कलर किए, कितने महीने की है, सब कुछ। तो शुक्र है कि उस टाइम पे हमें मिल गई थी। और इस दफा तो हम अपनी कार में जा रहे हैं, माओ माओ की तो अब कार भी आ गई है, माओ अपनी कार में बैठ के जाएगी। अब तो माओ कोई शिकवा शिकायत नहीं करेगी, माओ मेरे साथ जाएगी। मुझे आज ये मग बहुत अच्छा लगा है। मुझे हालांकि बहुत सारे मग मिले हैं गिफ्ट में, और मैंने हमेशा उनको अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और इसमें आज पहली दफा मैंने इस वाले मग में चाय पी है, बाकी भी मैं इंशाल्लाह निकालूंगी। लेकिन आज मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें जो मेरी एक गाड़ी वाली पिक्चर है, और एक इसमें वो पिक्चर है जब मैं सऊदीया में थी अम्मी के साथ की है, और बहुत अच्छी एक यादें। हाँ इस तरह की है, जब फार्म हाउस पे गए थे ना अम्मी के साथ की है, तो बहुत प्यारी यादें हैं इस मग में। तो मेरा बड़ा दिल करा था जिसमें मैं चाय पीऊं, चाय बल्कि मेरी खत्म हो चुकी है। आज ये लो मम्मा ने आपके लिए मैंगो काट दिए। अइवा को आम बहुत पसंद है, खाना भी इसने सही से नहीं खाया, तो अभी ठंडे हो गए मैंगो, जाओ बैठ के खा। तो फाइनली टाइम आ गया है, किस चीज़ का टाइम आ गया, व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। और बस अब जाकर सोती हूँ। आज तो खैर पहले से सो गई, तैयबा मुस्तफ़ा अभी तक जाग रहे हैं, इनको सुलाना है, इनके पापा भी सो गए मेरी चाय पीने तक। और अभी भी किचन का काम, एंड वाले मेरे बर्तन लास्ट में रह जाते हैं, जो अभी हमने खाना खाया है वो वॉश करके ही सोऊंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, वरना सुबह उठते ही ना नाश्ता बनाने का मज़ा नहीं आता। और इसके अलावा थोड़ा बहुत था जो रूटीन थी आपके साथ मैंने शेयर की। इसके अलावा घर की बहुत परेशानी है, बस सब दुआ करें कि मुझे जल्द से जल्द मेरा घर मिल जाए और यहाँ से मैं अपने घर पे सेफली शिफ्ट हो जाऊँ और वहाँ पर सेफ रहूँ। और आप सब की दुआएं मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल एक नए व्लॉग के साथ, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे व्लॉग के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।